करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधि मतां वरिष्ठं वातात्मजं जैसे आपको मैं कई मित्रों को पता है कल का दिन हमारे लिए बड़ा दुखद दिन था। आप सब स्मृति स्मिताल लादावाला से जो हर कार्यक्रम में होती है, जब से 18 अप्रैल से कार्यक्रम शुरू हुआ है, बीच में दो पहले उनकी माता जी जो बनारस में रहती थी बहुत बीमार हो गई, तो 90 तब वो एक सप्ताह के लिए वहाँ थे, तो वो एक सप्ताह हमसे चुक गया। बाकी सारे क्लास, सारे प्रोग्राम, वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण, सुंदरकांड क्लास, जो भी, हर में 100% उनकी अटेंडेंस रही। मुझे बता दो, बड़ा दुख रहा, कल उनके पति ने इस देह को छोड़ दिया और परमपिता में विलीन हो गए। उनके पति से मेरा बहुत गहरा संबंध था, मेरे बड़े भाई थे हर माने में। इस विषय पर अभी आज मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। अगले शुक्रवार को या शनिवार को हम लोग जूम पर एक प्रेयर मीटिंग कह लीजिए, शोक सभा कह लीजिए, सांत्वना सभा कह लीजिए, पता नहीं क्या शब्द है, वी विल ऑर्गेनाइज। सो उनके अभी तो उनकी पार्थिव शरीर रखा हुआ है, उनकी बेटी यहाँ US में रहती है, तो उसके बाद में उतर निकल गई और अभी इस समय वो फ्लाइट में है, तो इंडिया के टाइम वो कल सुबह पहुँच, करीब अभी से करीब 10-11 घंटे बाद पहुँचेंगे, उसके बाद में उनकी अंत्येष्टि संस्कार होगा। सर नाम नहीं सुनाई दिया, सर आपकी आवाज कुछ क्लियर नहीं आ रही थी। मैं क्या बोलूं, मेरी आवाज कुछ क्लियर आएगी भी नहीं कुछ। कौन सर, किसके बारे में बोल रहे हैं? मैं जो स्मिता राधा वाला जो हर प्रोग्राम पे आती है, आपने समझ जी 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 जी, और जैसा उनका नाम है स्मिता, हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कान रहती है, तो उनके पति डॉक्टर नरेंद्र राधा वाला, उन्होंने कल अपनी देह छोड़ दी। ओम शांति। मेरे लिए व्यक्ति का फिर से वेरी वेरी बिग लॉस। तो चलिए आज कार्यक्रम शुरू करते हैं। बाद में मैं बता रहा था कि अगले फ्राइडे को या सैटरडे को इसी मंच पर वी विल ऑर्गेनाइज ए कंडोलेंस मीटिंग और प्रेयर मीटिंग, उनके परिवार से बच्चों से बात करके फिर मैं आपसे सूचित करूंगा। तो इसमें ना भगवान शिव महाशिवरात्रि का प्रसंग है 11 मार्च को, तो पहले जिससे हम लोगों ने प्रोग्राम बनाए थे भगवान शिव और राम और रामायण से संबंधित कुछ ज्ञान विद्वानों से हासिल करेंगे, तो उसी संदर्भ में पह चुका है, पहला शनिवार है, तो विशिष्ट वक्ता को सुनने का हमें सौभाग्य मिलता है। तो हमारे पास आज हमारे परिचित वक्ता बड़े भाई ही आए, श्री आदरणीय राम लक्ष्मण गुप्त जी हैं प्रस्तुत, सो इनसे मैंने विनती की थी, तो हर बार नसीब से है मुझ पर बड़े भाई की तरह आशीर्वाद बना ही रहता है, तो ये आज हमें भगवान राम और शिव के पारस्परिक क्या संबंध है उसके बारे में बात करेंगे।
तुलसीदास जी के रामचरितमानस पर तो आप लोग सब जानते ही हैं, तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस की पूरी क्रेडिट ही शिव जी को दे दी, रच महेश निज मानस राखा। तुलसीदास जी नहीं कह रहे कि मैंने रामचरितमानस लिखी है, तो शिव जी ने लिखी और लिख के अपने मानस पर रख लिया। तो जो शिव और राम जी का जो पारस्परिक संबंध है, और जो जो वैष्णवाइट और शवाइट क्या जो लोगों में द्वंद्व बना रहा है हजारों साल से, उस पर थोड़ा सा प्रकाश। तो मैं आदरणीय भाई साहब अनिल गुप्ते जी को बड़े आदर के साथ सम्मान के साथ आदर करता हूँ। तो भाई साहब आइए, जय श्री राम। नहीं भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, भाई साहब आपकी आवाज म्यूट पे, भाई साहब आप म्यूट पर हैं क्या? आवाज आई? अब आ गई। नीलांबुज श्यामल को मलांगम सीता समारोपित बाम भागम पाणौ महा सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। इन दो श्लोकों के माध्यम से हमने भगवान राम और भगवान शिव की वंदना की। आज जैसा कि अभी अनुज ओम प्रकाश जी बता रहे थे, एक बड़ी दुखद घटना कल हो गई। श्रीमती स्मिता लड़ावाला के पतिदेव डॉक्टर नरेंद्र लड़ावाला, उनका निधन हो गया। वो भाई ओम प्रकाश के बहुत ही आत्मीय थे, बड़े भाई थे और सब प्रकार से बड़ा जुड़ाव था उनका। वो बहुत दुखी हैं और हम सभी दुखी हैं कि वो श्रीमती स्मिता जी बराबर सारी कार्यक्रमों से जुड़ी हुई हैं, हर कार्यक्रम में उपस्थित रहती हैं, हमारे परिवार की सदस्य हैं। और परिवार में इस प्रकार का जब कोई दुख प्रकट हो जाता है तो सभी को दुख होता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह उतनी उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, परिवार को ये दुख सहन करने की क्षमता दे, साहस दे। आज का विषय जैसा कि आपको पता है, भगवान राम और भगवान शिव के पारस्परिक संबंध। श्री रामचरितमानस के परिप्रेक्ष्य में, यानी रामचरितमानस में इन संबंधों को किस तरह से निभाया गया है, थोड़ी उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। चूंकि
रामचरित मानस से को संदर्भ के रूप में ले रहे हैं, तो हम पहले ये जानना चाहेंगे कि रामचरितमानस की रचना भगवान शंकर ने क्यों की और कब की। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ा स्पष्ट लिखा है, रामचरितमानस मुनि भावन विरचेउ सम्मु सुहावन पावन रचि महेश निज मानस राखा पाय सुसमय शिवासन भाखा ताते रामचरितमानस वर धरेउ नाम शिव हेरि हरसि य हर शंभु कीन या चरित स्वाबा बहुर कृपा कर उमय सुनावा सोई शिव काक भुसंड ही दीना राम भगत अधिकारी चीना ते ही सन जाग बल्क पुण्य पावा तिन पुण्य भरद्वाज प्रतिगावा मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सुसी का खेत समुझी नहीं अस बालपन तब अति रहे हुआ चेत तदपि कही गुरु बारह बारा समझ परी कछु मते अनुसारा भाषा बद्ध कर्म में सोई मोरे मन प्रबोध जे होई। तुलसीदास जी स्पष्ट कह रहे हैं कि इसकी रचना भगवान शंकर ने की है और रचना करके उन्होंने अपने हृदय में इसे स्थापित कर लिया और जब एक सुअवसर आया उस समय माँ भगवती को ये सारी कथा सुनाई। भगवान शंकर से ही ये कथा ऋषि काकभुसुंड को मिली और काकभुसुंड जी से याज्ञवल्क्य जी को प्राप्त हुई। याज्ञवल्क्य जी ने ऋषि भरद्वाज को सुनाई और स्वयं तुलसीदास जी ने अपने उनके गुरु ने सोनों क्षेत्र में उनको बार बार ये कथा सुनाई, लेकिन उनको तब बालपन था समझ में नहीं आई, लेकिन गुरु बराबर इस पर जोर देते रहे। अब उसी कथा को तुलसीदास जी समझ करके भाषावत कर रहे हैं, यानी जनजन की भाषा में लिख रहे हैं, यानी अनुवाद कर रहे हैं। रचनाकार तो भगवान शंकर हैं, अनुवादक तुलसीदास जी हैं और इस प्रकार से ये कथा सबके बीच में भगवान शंकर ने पार्वती को इसे बताया। ये प्रश्न आमतौर पर जब भी पूछा जाता है कि कथा ये कब लिखी गई, तो सब लोग वही तुलसीदास जी की बता देते हैं, संवत 1631 करो कथा हरिपद धर सीसा नौमी भाव मास मन मासा अवधपुरी या चरित प्रकाशा। अनुवाद रूप में तैयार किया उसका उसे हम लोकार्पण कह सकते हैं। वस्तुतः ये रचना तो भगवान शंकर के हृदय में अंतर्मन में ही जागृत हुई, वहीं सृजित हुई और वहीं विराजमान रही। भगवान शंकर ने जब पार्वती को बताया है तब एक बड़ी अद्भुत बात हुई है कि जब बताते समय हर ही राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए, जब उन्होंने बताना शुरू किया तो
तो रामचरित उनके हृदय में सब उनके सामने आ गया और उनके नेत्रों में जल आ गया, शरीर पुलकायमान हो गया। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा, मंगन ध्यान रस दंड जुग। दो क्षण वो उस ध्यान में मग्न हो गए, पुनि मन बाहर कीन, फिर वो अपने मन को बाहर लाए। रघुपति चरित महेश तब हर्षित भरने लीन, तब बड़े हर्ष के साथ वो पार्वती को बताने लगे। अब ये प्रश्न कमी पूछा जाता है, कमी उत्तर रहा होगा कि ये लिखा क्यों गया रामचरितमानस और कब लिखा गया, तो कब का तो उत्तर हमें आसानी से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि राम के कल्प कलप प्रभु अवतार ही, हर कल्प में उनका जन्म होता है। अब इस किस कल्प में ये कथा भगवान शंकर जी ने और किस उद्देश्य से लिखी, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे आगे। लेकिन ये निश्चित है कि अवतार भगवान राम का जो अवतार हुआ उससे पहले ही लिखा गया है। देखिए संपूर्ण रामचरितमानस एक नाटक के रूप में है, महानतम नाटक है विश्व का, इतना इससे महान कोई नाटक आज तक तैयार नहीं हुआ। और इस समय प्रमुख भूमिका, जिसे कहते हैं स्क्रिप्ट राइटर, तो भगवान शंकर हैं, लेकिन चीफ एक्टर महान अभिनेता स्वयं भगवान राम है। तो ये भगवान राम द्वारा अभिनीत सबसे बड़ा नाटक है। और अभिनय कैसा किया है, जिसे तुलसीदास जी लीला नाम देते हैं, लीला का मतलब भी वह होता है कि जो क्रियाकलाप हैं वो मंच पर प्रदर्शित होते हैं। तो इतना, जिसे कहते हैं इतना स्वाभाविक अभिनय किया है कि सती जी स्वयं दक्ष की जो पुत्री हैं, विद्वता में जो अपने बराबर का कोई मिलेगा नहीं, वो भी मोहित हो जाती हैं। स्वयं करुण जी जिनके जब चलते हैं, जिनके पंखों से वेदक ध्वनि होती है, वो करुण जी मोहित हो जाते हैं। क्या अद्भुत भूमिका का निर्वाह किया है। लेकिन ये चूक में मेरा जो विषय है भगवान राम और भगवान शिव के संबंध रामचरितमानस के संदर्भ में, तो ये संबंध इसी से उभरेंगे, आप देखते जाइए। तो प्रश्न आता है आखिर भगवान शंकर ने और तो कोई ग्रंथ लिखे नहीं, कोई कलम से लिखे नहीं है वैसे उन्होंने, ये रचना अंतर मन में भाव भाव से लिखी हुई रचना है, तो क्या उद्देश्य रहा होगा। एक उद्देश्य तो आमतौर पर हम सभी लोगों को पता रहता है, बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े प्रवचनकर्ता मंच पर बताया ही करते हैं कि हाँ ये मंगल कामना, लोक मंगल की कामना से ये पीड़ित जो मानव समाज है इतना पीड़ित है, पतन की ओर जा रहा है, बहुत सारी यातनाएं कष्टों से गुजर रहा है, उसका कल्याण कैसे हो, उसका मंगल कैसे हो, तो लोक संग्रह की भावना को ध्यान में रख करके, और ये रचना लोग तो कहते तुलसीदास जी ने लिखी, तुलसीदास जी को जब आता तब ऐसे बोलते हैं, लेकिन भगवान शंकर ने लिखी है तब कुछ बात और है। तब एक लोक कथा इस प्रकार चलती है, भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ एक अपने नियमित
त्रिलोकी भ्रमण पर निकले हुए थे और जो जब वो मरते लोक से निकल रहे थे तब उन्होंने इस पीड़ित मानवता को देखा। मानवता की जो दुर्दशा उन्होंने देखी, पत्नोन्मुख लोगों को देखा, तो मां पार्वती को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने भगवान शंकर से निवेदन किया कि भगवान इनके कल्याण का कोई उपाय नहीं। भगवान शंकर ने सोचा और कहा देवी कुछ उपाय देखेंगे और अपने स्थान पर आ गए। वहां उन्होंने सोचा कि सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा जी ने कर दी, अब जैसे सृष्टि का निर्माण किया है वो सृष्टि सबके सामने है, जैसी पीड़ाएं कष्ट वगैरह उनको हो रहे हैं वो सब देख रहे हैं और सभी पत्रोन्मुख हो रहे हैं प्राणी, तो इनका उद्धार तो तभी हो सकता है जब इनके पालन करता भगवान विष्णु भी साथ दें। तो भगवान शंकर और भगवान विष्णु के बीच मंत्रणा हुई और एक सुनिश्चित योजना तैयार हुई और उस योजना के अनुरूप ही रामचरितमानस की रचना हुई, जन जन के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, मंगल के लिए। और वो विषय आज नहीं है मेरा, वो सारी मंगल कामना किस प्रकार से भगवान राम ने अपने आचरण से की, अपनी मर्यादाओं के पालन करने से की, वो सब आप हम लोग सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पर वो विषय आज का नहीं। ये जो एक दूसरा पौराणिक कथा है उसको आपको जाननी है आज के संदर्भ में। ये शिव पुराण की कथा है और ये कथा इस प्रकार से है कि एक दिन भगवान नारायण से शैया पर विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे, तो उसी समय ब्रह्मा वहां पहुंचे और ब्रह्मा के पहुंचने पर भी वो नारायण अपने विश्राम करते रहे तो ब्रह्मा को बड़ा क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के उन्होंने झकोत झोंक करके उनसे कहा तू कौन, तुम कौन हो? तो भगवान नारायण जागृत हुए, उन्होंने कहा अरे ब्रह्मा तुम मेरी कमल नाल से निकले हुए हो, तुम मेरे पुत्रवत हो, लेकिन ये क्या व्यवहार है, क्या आचरण है? पर ब्रह्मा को कहा कि अरे मैं सारे सृष्टि का नचिकेता, तुम मेरे सामने कहाँ हो? और दोनों में संघर्ष हो गया। वो संघर्ष इतना बड़ा चला शिव पुराण में उसका बड़ा विशद वर्णन है। यहां तक संघर्ष चला कि दोनों उन अस्त्रों के प्रयोग के लिए तत्पर हो गए, एक पाशुपति अस्त्र और माहेश्वर अस्त्र, ये सबसे बड़े तीव्रतम अस्त्र है जिनके कारण जैसे आजकल कहे हाइड्रोजन बॉम्ब्स प्रयोग होने जा रहे हैं, दोनों प्रयोग करने के लिए तैयार हो गए। तो देवता आकाश में व्यथित हो गए, भगवान शंकर के पास पहुंचे और भगवान शंकर से भगवान जब ये सब कहा तो उन्होंने देखा ये अरे ये तो भगवान शंकर एक अग्नि स्तंभ के रूप में, जैसे हम ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं, तो उसके रूप में प्रकट हुए और युद्ध के बीच में युद्ध स्थान पर ही प्रकट हुए। युद्ध एकदम तो शांत होना था बंद हो गया और उन्होंने उस समय ये कैसा कहा कि ये बड़े होने का जो हो रहा है कौन बड़ा, तो एक जरा ये जो स्तंभ है इसका ऊपर का और नीचे का पता लगा के आओ। तो बताते हंस पर ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और बराह पर
सुअर पर विराजमान होकर के विष्णु नीचे गए, तो विष्णु तो पाताल पार करके लौट करके वापस आ गए और उन्होंने बता दिया कि मैं मुझे अंत नहीं मिला इसका। और जो हंस पर चढ़ करके ब्रह्मा जी ऊपर गए थे, ऊपर जा रहे थे, उन्हें भी नहीं मिला, पर केतकी का फूल ऊपर से गिरता हुआ मिल गया। उस फूल से पूछा तुम कहां से आ रहे हो, बोले मैं मध्य से गिरा हूं, मेरे को तो पता नहीं ऊपर कितना है, लेकिन मेरे को इसका, पर उन्होंने उसे गवाह बना लिया कि तू कह देना कि तू ऊपर से आया और ब्रह्मा जी ऊपर आ गए। और आकर के उन्होंने कह दिया कि ब्रह्मा जी ऊपर होके आ गए हैं। भगवान शंकर ने सारा देख लिया और बोले उनको, उसी समय ब्रह्मा जी को एक प्रकार का साप दे दिया कि तुम्हारा कभी संसार में और पूजन नहीं होगा, सम्मान नहीं मिलेगा, आदर नहीं मिलेगा, वो प्राप्त नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, दो एक जगह सारे देश में उनके, जैसे पुष्कर में एक मंदिर है, एक जगह कहीं और बताते हैं, लेकिन वैसे ब्रह्मा की पूजा में, पंचदेव पूजा में भी ब्रह्मा जी नहीं है। पर और केतकी के फूल को भी कह दिया तू चढ़ाया नहीं जाएगा, पर फिर हाथ पैर जोड़ी जैसे होती है ना, तो देवता ये ईश्वर सभी बड़े दयालु भी होते हैं और उसको कुछ छूट दे दी, तुम इस तरह से तुम्हारा प्रयोग हो जाएगा। तो पर ये कथा घटित हुई और जिस दिन ये स्तंभ प्रकट हुआ, ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, वो दिन शिवरात्रि का दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है। बहुत सारे लोग बड़ी, कई बार कुछ लेखों में भी मैंने पढ़ा है, लोग आपस में बात करते हैं चर्चा में, ऐसा मान करके चलते हैं कि ये महाशिवरात्रि का जो पर्व है, इसमें जो व्रत किया जाता है, व्रत पूजा, इसलिए भगवान शंकर का ये विवाहोपलक्ष में विवाह का अवसर है, ऐसा नहीं है। ये भगवान का लिंग रूप में, भगवान शंकर का लिंग रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने का दिवस है और इसे महाशिवरात्रि नाम दिया गया। भगवान शंकर ने शिवरात्रि कह के पुकारा और पूजा का विधान भी बताया है। तो ये अब ये दो देवताओं के बीच में विष्णु और ब्रह्मा, इन दो के बीच में ये नौबता आ जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है। आजकल हम सभी देखते हैं, अभी अमेरिका में हो रहा था, ट्रंप कुछ बोल रहे हैं, बिडेन क्या एक दूसरे के प्रति संघर्ष कर रहे हैं, हमारे देश में तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, कौन बड़ा कौन छोटा, ये संघर्ष होता ही रहता है। और किसी ऑफिस में बड़ी ऑफिस में चलिए, आईएएस अधिकारी आपस में, मैं बड़ा, मेरा डिपार्टमेंट, ये बड़ा छोटे का बड़ा संघर्ष चलता ही रहता है। तो भगवान शंकर ने दो बातें हुई, मनुष्य की तो मंगल कामना के लिए और देव मंगल देवताओं की दृष्टि से ईश्वरीय श्रेष्ठ के लिए, उनके लिए ये सुनिश्चित किया गया कि उनका आपसी व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपसी संबंध कैसे होने चाहिए, ये भी रामचरितमानस का बहुत बड़ा विषय है। और भगवान राम और भगवान शिव के संबंधों में हम इस चीज को देखेंगे कि लोगों में आपस में कैसे व्यवहार होना चाहिए, ये हमको देखने को मिलेगा। वस्तुतः जब विवाह की बात आती है तो हम संबंधों की बात आती है तो हम लोग सामान्य तौर पर एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे की महत्ता को स्वीकृति देनी चाहिए, गरिमा में भाषा का आपस में प्रयोग होना चाहिए, किसी भी कीमत पर एक दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, जहां तक हो सके एक दूसरे के प्रति प्रशंसा भाव रखना चाहिए। जिनके बीच में इस प्रकार के संबंधों का निर्वाह होता है
वो वस्तुतः सही अर्थों में एक मनुष्य रूप में जीवन जी रहे हैं। तो इससे भी सुंदर संबंध और देवताओं के बीच में होने चाहिए। ब्रह्मा तो श्रेष्ठ करता है, विष्णु पालन करता है, इनके मध्य और संबंध ऐसे हो जाए कि युद्ध तक बात आ जाए। तो ये भी एक सुनिश्चित किया भगवान शंकर ने कि इसमें संबंधों के बारे में भी रामचरितमानस में और बड़ा सुंदर रूप प्रकट किया जाएगा। और ये रामचरितमानस सही अर्थों में संबंधों की दृष्टि से संबंधों की सुगंध पूरे सातों सोपानों में इतनी अद्भुत है, संबंधों का सौंदर्य और सौंदर्य की सुगंध उसे सुभाषित है सातों सोपान। सातों कांड में भगवान शंकर और भगवान राम के जो संबंध है वो अद्भुत है। मैं अभी एक बात के द्वारा इन सारे संबंधों को व्याख्यायित करना चाहूंगा, फिर विस्तार में जाएंगे। जब समुद्र पर पुल बन गया, पुल बन के तैयार हो गया, भगवान राम को निरीक्षण के लिए निवेदन किया गया, तो उसको देखने के बाद भगवान राम को बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने कहा ये तो बड़ी रमणीय भूमि है, बहुत ही सुंदर है। करो यहां संभु स्थापना मोरे हृदय परम कल्पना, मैं यहां पर शंकर के लिंग की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में बड़ा संकल्प आ रहा है। जैसे उन्होंने कहा मैं करूंगा, तो सब तरफ दौड़ाए गए ऋषि मुनियों को, आसपास दूर दूर से लाया गया ऋषि मुनि आकर के और उनके सामने लिंग की भगवान राम ने स्थापना की। जब लिंग की स्थापना हो गई तो ऋषि मुनियों ने जानना चाहा कि महाराज इनको इनका नाम क्या रहेगा। अब आप देखते हैं कि भगवान शंकर वैसे तो जहां भी बैठ जाते हैं वहीं के ईश्वर हो जाते हैं, यदि बाजार में बैठ जाए तो बाजार ईश्वर हो जाते हैं, यदि पहाड़ पर बैठ जाए वो पीपल पे बैठ जाए तो पीपल ईश्वर हो जाते हैं, सड़क पे बैठ जाए तो सड़कें ईश्वर हो जाते हैं, वो जहां के जाते हैं वहां के ईश्वर हो जाते हैं। तो यार राम जी ने, तो राम जी ने कहा अरे सामान्य सी बात है भाई, रामेश्वर। तो ऋषि मुनियों ने जानना चाहा कि महाराज इसका अर्थ क्या हुआ रामेश्वर का। उनके दिमाग में आया राम जी अपनी बात कुछ कह रहे हैं इसमें। तो उन्होंने भगवान राम ने तत्पुरुष समास का, भाषा में तत्पुरुष समास होता है जो संबंध बताता है, का सहारा लेते हुए कहा रामस्य ईश्वरा यते रामेश्वरा, जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर, यानी भगवान शंकर मेरे ईश्वर हुए। तो सब लोगों ने खूब तालियां बजाई, वाह बहुत ही बढ़िया कि राम के ईश्वर का की स्थापना हुई है लिंग रूप में। और बड़ी प्रसन्नता के साथ लोग तुरंत भगवान शंकर के पास पहुंच गए और भगवान शंकर से कहा महाराज रामेश्वर की स्थापना हो गई। भगवान उसको क्या माने, वो जानना चाहते थे कि देखे भगवान शंकर क्या कहते हैं। तो भगवान शंकर ने बहुव्रीह समास का सारा लेते हुए कहा रामस्य ईश्वरा इत रामेश्वरा, ये उन्होंने कहा था। और भगवान शंकर बोलते हैं रामः ईश्वरा यस्य सा रामेश्वरा, राम है ईश्वर जिसके वह रामेश्वर, राम जिसके ईश्वर है वह रामेश्वर। अरे भगवान शंकर कह रहे हैं
कि राम मेरे ईश्वर हैं। अब दोनों एक दूसरे को एक दूसरे का ईश्वर कह रहे हैं। इससे संपूर्ण रामचरितमानस के संबंधों को समझा जा सकता है कि आगे क्या संबंध रहे होंगे, इन दोनों के किस प्रकार के संबंध रहे होंगे। तो इनको हम चार भागों में विभक्त करके देखते हैं। एक भाग में हम ये देखना चाहेंगे कि भगवान राम शिव जी के लिए क्या कहते हैं। दूसरे भाग में हम ये देखना चाहेंगे कि भगवान शिव राम के लिए क्या कहते हैं। तीसरे भाग में हम ये देखना चाहेंगे कि इन दोनों के बारे में अन्य लोग इन दोनों के संबंधों को किस तरह देखते हैं। और चौथे भाग में हम ये देखना चाहेंगे कि इन दोनों का अपने अपने संबंधों का निर्वाह करने का रूप क्या है, ये हम देखना चाहेंगे। वस्तुतः रामचरितमानस के प्रत्येक कांड में एक संबंधों की रत्न जर्जरित मंजूता विराजमान है, जो दैदीप्यमान है, चमक रही है और बता रही है कि संबंध ऐसे होने चाहिए। देखिए भगवान राम क्या कहते हैं, उनके संबंध शिव जी से कैसे हैं। हमें पता है कि नारद जी को बड़ा मोह हो गया था और मोह होने के बाद जो कुछ हुआ उसको विस्तार से मैं नहीं जा रहा हूं, पर जब भगवान नारायण ने अपनी माया समेट ली तो नारद जी को भान हुआ कि उन्होंने कैसे साप दे दिया था, सब कुछ कर दिया था। तो उन्होंने कहा भगवान ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। तो राम जी ने कहा भगवान नारायण के ही अवतार राम जी हैं, तो नारायण वैसे राम जी अवतार से पहले दो बार रामचरितमानस में आते हैं, राम रूप में ही आते हैं, जब भगवान शंकर को विवाह के लिए कहते हैं और एक बार स्वामी मनु और शत्रुपा को वरदान देने आते हैं। तो यहाँ राम ही, तो उन्होंने क्या कहा, उनको क्या सलाह दी नारद जी को कि जपो जाय शंकर सतनामा, भगवान शंकर का जाप करो, हो यह हृदय तुरंत विश्राम, तुम्हारे हृदय में एकदम शांति आ जाएगी। और आगे जो कहा भगवान राम ने वो अद्भुत है, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। दूसरा अस प्रतीत तजाओ जन भोरे, गलती से ये बात मत भूल जाना कि शिव के समान दूसरा मुझे कोई प्रिय नहीं है। जे पर कृपा न करे पुरारी, सोन पाप मुनि भगते हमारी, हे मुनि हे नारद जी अच्छी तरह समझ लो, जिस पर भगवान शंकर की कृपा नहीं होती वो हमारी भक्ति को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। ये भगवान इन भगवान राम ने नारद को कहा। यहाँ लिंग स्थापना के बाद, रामेश्वर की स्थापना के बाद भगवान राम ने क्या कहा, लिंग थाप विधिवत करे पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। लिंग की स्थापना करके विधिवत पूजा करने के बाद एक घोषणा कर दी भगवान राम ने, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव के समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिव द्रोही मम दास कहावा, जो शिव से द्रोह करता है और अपने को मेरा दास कहता है, सो नर मोह सपने नहीं भावा, वो नर मुझे स्वप्न में भी स्वीकार नहीं है, पसंद नहीं है। शंकर विमुख मांग भगति चहमोरी, शंकर विमुख शंकर से दुश्मनी कर रहा है और मेरी भगत चाहता है। सो नार की मूढ़ मति थोरी, वो नरक में जाने लायक है, वो मूढ़ है, उसे कोई बुद्धि नहीं है।
शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास। शंकर का प्रिय और मेरे से द्रोह करने वाला और शिव से द्रोह करने वाला मेरा दास कहता है अपने आप को। ते नर करहि कलप भर घोर नरक में वास। वो घोर नरक में कल्प भर उनका वास होगा जो ऐसा करने वाले है। और आगे क्या कहा, जे रामेश्वर दर्शन करे हैं ते तनु तजी मम लोक सिधरे हैं। जो इस रामेश्वर की मैंने स्थापना की है लिंग की, इसका दर्शन करेंगे वो अपने शरीर को जब त्यागेंगे तो मेरे सीधे मेरे लोक में आएंगे। जो गंगा जल आन चढ़ाए है सो सायुज मुक्ति नरपाय है। और जो गंगा जल ला करके इस पर चलाएंगे वो तो बस मेरा ही हो जाएगा, मेरे से जुड़ जाएगा। ये वहां पर लिंग स्थापना की बात कहते हैं। और पूर्ववासियों से भगवान राम क्या कहते हैं उत्तरकांड में, जब नगरवासी हैं, और एक गुपत मत सबै कहूं कर जोर। मैं एक और एक गुप्त बात सबको हाथ जोड़ करके बताना चाहता हूं, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। भगवान शंकर का जब तक शंकर की भक्ति नहीं करेगा मेरा भजन प्राप्त नहीं कर सकता, मेरा भक्त हो ही नहीं सकता। ये थोड़े से ही मैंने संदर्भ लिए हैं, उद्धृत किए हैं। संपूर्ण सारे रामचरितमानस को देखा जाएगा तो बहुत कुछ मिलेगा। भगवान राम इसी प्रकार से कहते हुए मिलेंगे। और शिव क्या कहते हैं, शिव इन संबंधों को लेके अपने क्या कहते हैं, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाय सदा मुनि धीरा। सत्य से कह रहे हैं, जब कुंभज ऋषि के पास से लौट रहे हैं और वो सती को मोह हो जाता है, उन्होंने जब अपना सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया तो मोह हो जाने की बात है, तो वो सती को बता रहे हैं, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाय सदा मुनि धीरा। मुनि और धीर जिनका हमेशा सेवन करते सेवा करते हैं, जिनको स्मरण करते हैं, वो मेरे इष्ट देव हैं। और जब भगवान राम उनसे विवाह के लिए कहने के लिए आते हैं तो क्या कहते हैं शिव जी, सिर धर आयस करिए तुम्हारा। हम तो सिर नीचे करके बिल्कुल आपके सी चरणों में रख करके, आयस करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। हम तो इसे अपना परम धर्म मानते हैं, आपके आज्ञा के पालन को हम परम धर्म मानते हैं अपना। काशी जरन जंतु अवलोकी जा सुनाम अल कराऊं विशो की। काशी में भगवान शंकर किसी को मुक्ति देते हैं तो क्या करके दे, क्या कहके देते हैं, कान में राम राम कहते हैं। बोले जिसके नाम से मैं लोगों को मुक्ति देता हूं काशी में, राम वो है। और उमा से कह रहे हैं, उमा से तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं राम के बारे में, उमा राम की भ्रकुट बिलासा होय बुस्य पुण्य पावय नासा। उमा राम ऐसे हैं कि उनकी भ्रकुट बिलास उनकी नजर टेढ़ी होने या सीधी होने से विश्व पैदा होता है और समाप्त होता है। और तृणतः कुलिस कुलिस तृण कराई, वो एक तिनके को वज्र के समान बना देते हैं, वज्र को तिनका बना देते हैं। उमा राम सब जग हितर माई गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। उमा राम सम जग, हे उमा राम के समान हितकारी हित करने वाला गुरु पितु मातु बंधु कोई प्रभु कोई नहीं है ऐसा संसार में। उमा दास
जो उमा धार जो सित की नाई समय नचावत राम गोसाई। उमा एक कठपुतली होती है ना लकड़ी की, उस तरह से भगवान राम सबका को नचाते हैं, यानी सबको सब उनके हाथ में। उमा राम स्वभाव जे जाना दाए भजन बिन भाव ना आना। उमा राम जो राम जी का स्वभाव जानता है कितना सरल और श्रेष्ठ स्वभाव है, उसे भजन के उनके भजन के अतिरिक्त और कोई चीज अच्छी लगती ही नहीं। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं ता मोह लिसा निशा लवलेसा। राम सच्चिदानंद है, सूर्य के समान है, वहां मोह का कोई अंधेरा रह ही नहीं सकता। लोग आदमी के जीवन में मोह रह ही नहीं सकता। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश विधि प्रकट परावर नाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई। वो रघुकुल मणि मेरे स्वामी है, कई शिव नायु मात। शिव ने ऐसा कहके और प्रणाम किया उन्हें। ये शिव जी कह रहे हैं बहुत कुछ, इसके बाद और भी बहुत कुछ कह रहे हैं शिव जी रामचरितमानस में, पर ये समय की सीमा के अंतर्गत दूसरे लोग क्या कहते हैं थोड़ा सा उसको भी देख लें। याज्ञवल्क्य की क्या कह रहे हैं भरद्वाज को, शिवपद कमल जिन्हें रति नाही राम ही ते सपने उन सुहाई। शिवपद कमल जिन्हें रति नाही, जिन्हें भगवान शंकर के श्री चरणों में प्रेम नहीं है, राम को ऐसे लोग सपने में भी स्वीकार नहीं है, पसंद ही नहीं है। बिनु छल विश्वनाथ पद नेव, बिना छल के विश्वनाथ भगवान शंकर से प्रेम करता है जो, राम भगत कर लक्षण हो तो दूर से ही समझ लीजिए को राम का भक्त है। जो बिना छल के भगवान शंकर के कर रहा है चरणों की सेव, सन को रघुपति व्रतधारी, शिव के समान रघुपति भगवान राम का व्रत धारण करने वाला कौन है। बिनु अग तजी सती सपनारी, जिन्होंने भगवान राम का व्रत धारण करने वाले भगवान शंकर ने बिना किसी अपराध के सती जैसी अपनी पत्नी को त्याग दिया, संकल्प लिया, शिव संकल्प कीन मनमाई यही तनु सती भेंट मोहिनाई। कब, जब सती ने सीता जी का रूप धारण करके भगवान राम की परीक्षा लेनी चाहिए, तो भगवान शंकर ने अपने मन में धारण कर लिया अब सती को मैं पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। गरुण जी गुरु तो काक वसुन से उनके गरुण उनके गुरु क्या कह रहे हैं, सेव सेवा कर फल सुन सुत सोई, सेव सेवा कर फल सुत सोई अबरल भगत राम पद हुई। शिव सेवा का एक फल, यदि शिव की सेवा कर रहे हो ना, वो विरोध कर रहा था तो शिव को पूछता था और राम विष्णु से विरोध करता था, तो उन्होंने कहा शिव सेवा का यही फल है कि अबिरल भगत राम पद हुई, भगवान राम के चरणों में और निरंतर भक्ति हो जाएगी। इच्छित फल बिन शिव अवराधे लहियन कोट जोग जप साधे। ये पार्वती के संदर्भ में उनके माता पिता से नारद जी बता रहे हैं कि यदि आपकी कन्या इच्छित फल भगवान शंकर से विवाह चाहती है तो ये तब तक नहीं मिल सकता। इच्छित फल बिन शिव अपराधे, जब तक शिव की तपस्या नहीं करेगी पूजा नहीं करेगी इच्छित फल प्राप्त होना बहुत ही कठिन है, मिलेगा ही नहीं। ये और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें कहते जा रहे हैं, कहा है।
अब इन लोगों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा रहा है, प्रैक्टिस कहते हैं ना मनसा वाचा कर्मणा, ये मन से भी वचन से भी और कर्म से भी एक दूसरे के प्रति संबंधों का निर्वाह करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। ये दोनों बहुत सारी, ये तो सामान्य जन की बात है, लेकिन ये उच्च कोटि ऐसा लगता ही नहीं ये दोनों अलग है। संपूर्ण रामचरितमानस में आद्योपांत आप पढ़ जाइएगा, कहीं पर ऐसा नहीं लगेगा कि शिव जी के मन में कभी भी राम के किसी भी कार्य आचरण व्यवहार बात से और किसी प्रकार का ऐसा लगा हो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और ना ही कभी राम को, कि भगवान शंकर का सब जगह शंकर तो कथा कह ही रहे हैं और भवानी को बताते चले जा रहे हैं, उमा को सब जगह कहते जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं आएगा कि उन्होंने कोई ऐसी बात कही हो जिससे ऐसा लगता हो कि राम के किसी भी कार्य को किसी भी बात को और वो पसंद नहीं कर रहे, त्रुटिपूर्ण मान रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो यदि आचरण देखें तो देखिए उन्होंने लिंग की स्थापना की है और शिवजी के लिंग की पुल बनते ही शंकर के सबसे बड़ा आदर, सबसे बड़ा आदर किसको दिया, भगवान शंकर को दिया, लिंग की स्थापना की, नाम रामेश्वर रख दिया, अपना ईश बताया। और आप देखिए कितने आत्मीय संबंध है, जो कहते हैं ना हमारे यहाँ ये पारिवारिक संबंध है, हम लोग जो अपनी भाषा में कहते हैं, तो इनके पारिवारिक संबंध देखिए। जब उनके विवाह का प्रश्न आया पार्वती से, तो राम जी कैलाश पर्वत आ गए और उनसे निवेदन किया कि मांगो, मैं ये मांग रहा हूं आपसे, जाय विवाह उसे ले जाए, ये हम वो मांगे देव, मुझे ये मांगे दे दीजिए कि आप जाके पार्वती से अब विवाह कर लीजिए। तो उन्होंने उत्तर दिया ही जो अभी देख चुके हैं, सिर धर आए सो करे तुम्हारा, परम धर्म या नाथ हमारा। और ये भी देखा हमने कि नारद को क्या राय दी कि जपो जाए शंकर सतनामा, शंकर सतनामा। तो ये निरंतर शिव जी के बारे में भगवान राम क्या कही है, ऐसा नहीं होता पीछे पीछे यहाँ एक आईएएस अफसर और दूसरे आई अफसर के उसे क्या आता है भाई, जो इस प्रकार की बातें करते हैं, ये हमारे लोक व्यवहार बहुत होता है। लेकिन देवताओं में हुआ तो उनके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देवताओं तक के लिए बन गया। जब विष्णु और ब्रह्मा में युद्ध हो गया तो उनके लिए भी ये संबंध ऐसे होने चाहिए जैसे शिव और भगवान राम की, इस प्रकार के संबंध होने चाहिए। और शिव जी क्या कर रहे हैं यह देखिए, कितना बड़ा निर्णय ले लेते हैं। अरे सती जी ने सीता का रूप ही तो धारण किया था, लेकिन शंकर को राम का, राम को कैसा रूप में अपने हृदय में धारण किए हुए हैं कि यह तन सती भेंट मोहिनाई, निर्णय कर लिया, संकल्प ले लिया कि आज से सती मेरी धर्म पत्नी नहीं, बिन वक्त जी सती समनारी। और उनके तो जीवन का यही है कि वो राम राम सारे दिन जपते हैं, वो उमा खुद ही कह रही है तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग राती, ए अनंग को ये कामदेव को समाप्त करने वाले आप पुण्य, आप निरंतर राम राम राम। और भी लोग बताते हैं कि भगवान ओ अपने याज्ञवल्क्य ने भी कहा,
भरद्वाज जी ने भी कहा कि राम आप भगवान शंकर राम राम जपते रहते हैं तो निरंतर आप देखिए व्यवहार में भी आचरण में भी और राम का राम के केवल राम स्वयं नहीं वो तो संपूर्ण परिवार में जब राम जी चलते हैं वहां से तो गौर गणेश गिरीश को मना के चलते हैं। जब दशरथ जी को भगवान राम जा रहे हैं उस रात्रि को वो कितना भगवान शंकर को स्मरण कर रहे हैं। जब उनको खबर मिलती है भरत जी को तो भरत जी और अभिषेक कर रहे हैं भगवान शंकर का, सारे परिवार में भगवान शंकर की पूजा। तो ये संबंध कैसे होने चाहिए रामचरितमानस में उस शिवरात्रि की महाशिवरात्रि की घटना के बाद भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से मिलकर और ये हुआ। जब आप ये बताओ चाहिए दोनों चीजों में ये फर्क होता है इतिहास और नाटक। इतिहास पहले घटनाएं घटित होती हैं और फिर वो रिकॉर्ड में लाई जाती हैं, लेकिन नाटक पहले लिखा जाता है पहले रचा जाता है और फिर वो अभिनीत होता है। निश्चय ही भगवान राम के अवतार से पहले ये लिखा गया भगवान शंकर ने इसी उद्देश्य से कि एक तो मंगल कामना सारे लोगों का मंगल हो भगवान राम का ऐसा चरित्र उनके सामने रहे और दूसरा उन वो अब खुद ही उस भूमिका में आ गए कि स्वयं भगवान शिव और भगवान शंकर वो शिव और भगवान राम दोनों ने संबंधों की क्या सुगंध बिखेरी है क्या सुगंध बिखेरी है संपूर्ण कांडों में। क्या एक तरफ से जाइए तो आपको लगेगा कि ऐसे संबंध अन्यत्र कहीं पर भी आपको देखने नहीं मिलेंगे जैसे संबंधों का निर्वाह भगवान राम और भगवान शंकर ने आपने मध्य किया है। मैं समझता हूं आज के लिए बहुत कुछ, वैसे तो निरंतर बोलते चले आइए बहुत सारा है लेकिन आज के लिए इतना पर्याप्त तो होगा और इतना कह करके आपने सुना इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। बहुत अच्छा लक्ष्मण राम लक्ष्मण जी। मित्रों अभी अपने पास कुछ समय शेष है तो आप उसमें आपके कोई प्रश्न हो या कोई मन में शंका हो तो ये बहुत उचित समय हरे कृष्णा। एक टिप्पणी है, बहुत ही सुंदर प्रवचन आपने दिया है, बहुत ही ज्ञान वर्धक आपने प्रस्तुत की है इस समय। इसमें तीन प्रश्न है मेरे। पहला प्रश्न ये है कि राम जी ने शिव जी का धनुष क्यों तोड़ा, जब इतनी भक्ति है इतना अच्छा पारस्परिक संबंध है तो शिव जी का धनुष क्यों तोड़ा, ये पहला प्रश्न है। दूसरी चीज है शिव जी और राम इनका संबंध उसी तरह बतलाया जाता है जैसे कि दही और दूध, तो दूध से ही दही बनता है, तो इसी तरह भगवान राम से भगवान कृष्ण से शिव तत्व निकला है। अंतर यह है कि दही से दूध नहीं बन सकता, दूध से दही बन सकता है, तो शिव तत्व जो है ये विष्णु तत्व या राम तत्व में नहीं बदला जा सकता, लेकिन विष्णु तत्व या कृष्ण तत्व या राम तत्व ये शिव तत्व में बदला जाता है। और तीसरी टिप्पणी मेरी है श्रीमद् भागवतम के अनुसार पार्वती जी ने प्रश्न पूछा, इसकी मूल कथा यूं है कि नारद जी ने एक बार पार्वती जी से कहा कि क्या माता पार्वती आपको शिव जी
सारी बातें बतला देते हैं। तो पार्वती जी ने कहा हाँ। तो कहा क्या कोई बात आपसे छिपाते हैं? कहा नहीं 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 कोई बात नहीं छिपाते। तो कहा ये बताइए शिव जी, ये 108 रुंड, ये माला जो पहने हुए है रुंडों की, ये क्यों पहने हुए हैं? तो पार्वती जी ने कहा ये तो पता नहीं मुझे। तो कहा आप माता जी आप इसे पता कीजिए, शिव जी से बताइए मुझे। तो माता पार्वती जी ने पूछा कि क्यों आप ये माला पहनते हैं शिव जी? तो शिव जी ने कहा बतला देंगे कभी आपको। तो फिर दो तीन दिन गुजर गए, उसके बाद फिर प्रश्न किया माता पार्वती ने शिव जी से। तो शिव जी ने उत्तर दिया कि हे पार्वती, तुम्हारे पूर्व काल में जितने जन्म हुए हैं सती से लेकर और अब तक, तो वो 108 जन्म जो है उनके जो सर हैं उसकी माला हम पहनते हैं। क्यों? हम पूरी तरह से तुम्हारे लिए समर्पित हैं। तो पार्वती ने कहा अगर मेरे 1000 जन्म हुए तो क्या आप 1000 रुंड पहनेंगे माला? तो आप ऐसा कीजिए स्वामी, ये मेरा अंतिम जन्म हो, ऐसा उपाय मुझे बताइए। तो ये प्रश्न का उत्तर शिव जी ने कहा कि अगर तुम श्रीमद् भागवतम की कथा, कृष्ण की कथा सुनोगी तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो फिर ये कथा सुनाई गई श्रीमद् भागवतम की और पार्वती जी का पुनर्जन्म नहीं हुआ। तो इन टिप्पणियों के साथ मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा, आप एक एक करके मुझे बताएं कृपया। आपकी सब टिप्पणी अपने स्थान पर हैं, लेकिन मेरा आज का विषय जो आप कह रहे हैं यही नहीं है, बहुत 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 कुछ और है, बहुत कुछ है। यदि एक एक पुराण को उठा के देखेंगे और शिव पुराण की पूरी व्याख्या देखेंगे बहुत कुछ मिलता है। और यह आज मेरा विषय बहुत सीमित था, रामचरितमानस के संदर्भ में शिव और राम के संबंध। तो वो शिव तत्व क्या है, देखिए अध्यात्म के उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं है। आपकी टिप्पणियां अपने स्थान पर उचित है, सही है, और वही टिप्पणियां नहीं है, बहुत सारी और टिप्पणियां हो सकती हैं, लेकिन आज के विषय से वो बहुत बाहर की चीज है। तो उनपे ये चर्चा करने को बैठेंगे तो बहुत कुछ अभी शिव और अपार है। शिव तो ऐसे हैं कि आज उनके ज्योतिर्लिंग की बात, अभी ज्योतिर्लिंग का केवल इतना प्रकृति उस दिन का प्रकट हुए, और फिर अब आगे की बात करना चाहेंगे तो ज्योतिर्लिंग पे जाना कितना कहा जा सकता है। तो इसलिए मैं वो उस विस्तार में नहीं जा रहा, आपकी टिप्पणियां अपनी जगह पर ठीक है। धन्यवाद भाई साहब। और एनीबडी हैज एनी कमेंट ऑन डॉक्टर मिश्रा जी के प्रश्नों पर, किसी कोई कमेंट संक्षेप में? मैं एक बात कहूं क्या? हाँ कहिए। अरे अरे राम लक्ष्मण जी तो खैर इतने बड़े विद्वान हैं, ज्ञान भर दिया हम लोगों में। एक चीज है कि शिव जी तो हैं ही बड़े और राम जी भी बड़े हैं, इसका तो दिखाया ही गया है, मगर हर एक किताब को शिव जी ने ही लिखा है। तो भागवत को भी लिखने में शिव जी ने ही भागवत की कथा लिखी है, और अध्यात्म रामायण भी शिव जी ने लिख करके लोगों को दिया। तो शिव जी जो हैं ऑथेंटिक अथॉरिटी हैं इस सब ज्ञान के, इसीलिए सारा किताब लगता है कि उन्होंने ही लिखा, रामचरितमानस, अध्यात्म रामायण और भागवत। भागवत पुराण में को शिव जी ही कहते हैं, कथा भागवत पुराण की भी, तो ऐसा लगता है मुझे। पता है इन्होंने तो बहुत बड़े शब्दों में बता दिया, क्या ऐसा ही है क्या, सब ज्ञान उन्हीं के पास है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। शिव जी को हेलो। जी 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 बात, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। अब देखिए, यदि आप
शिव पुराण उठा के देख लेंगे तो सब कुछ जो कुछ घटित है, जो सब सबसे बड़ा कोई ईश्वर का स्थान हो सकता है तो शिव जी का है। और विष्णु पुराण उठा लेंगे तो सब कुछ श्रेष्ठतम सबसे बड़े विष्णु जी हैं। अब ये हमारे जो ईश्वर रूप में ये है तो सब एक ही चीज है। आप जो जो कुछ हो रहा है, जो भागवत वगैरह जो कुछ हो रहा है, वो ही परमपिता परमात्मा से सब प्राप्त है। भगवान शंकर भी उसी के रूप में, भगवान विष्णु भी उसी के रूप में। तो जो लोग व्याख्या करते हैं वो नहीं, आप रामचंद्र मानस के क्या, रामायण की कथा को ही हजारों लोगों ने हजार तरह से और उसे व्याख्यायित किया है, हजारों का करोड़ों तरीके से रामायण सतकोटि अपार। अब उनका और कल्प कल्प में अलग अलग कथाएं बहुत सारी हैं। तो ये जो कहा लिखा है हाँ, भगवान शंकर के लिए ऐसा ही कहा, सारी विद्याएं भगवान शंकर से, कोई डमरू से निकली है तो कोई कहीं से, सारी कलाएं सारी विद्याएं सब यही बताते हैं भगवान शंकर से ही सारी की सारी उद्भूत हुई है। आप ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इस विषय में एक टिप्पणी है, शिव जी को परम वैष्णव कहा गया है, जितने भी वैष्णव हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ शिव जी हैं, इसलिए शिव जी से ही सारा ज्ञान मिला है हमको, सारी भक्ति मिली है, शिव जी हमारे गुरु हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी मैं चैट पर पढ़ रहा हूँ और बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आपके काइंड ऑफ प्रश्न पर है। आप कह रहे थे कि दूध से दही, क्या दही दूध से दही बनता है पर दही से दूध नहीं बनता, समझ लाए। तो चैट पर मीनू जी ने लिखा है कभी पर दूध जमाने के लिए भी दही चाहिए। तो क्वाइट इंटेलिजेंट थॉट, सिर्फ सब दुनिया में दही गायब हो जाए तो दूध से। चलो ये तो एक और चर्चा होगी बाकी कई वक्त लोग अपने देखिए। अभी इस समय मैं बात करता स्मिता जी वो शी इज जस्ट कम जय श्री राम भाभी, जय श्री राम। आप आगे भाभी बहुत आप बड़े बड़ा देखकर मन में बढ़िया क्या, मैं तो बिल्कुल शब्दहीन हूँ। आप लोग का साहस है, उतनी हिम्मत है और आप राम जी को हिम्मत देने भैया। स्मिता जी बहुत बहुत कंडोलेंसेस है, भगवान आप सब लोगों को चित रखे। जय भगवान, प्रभु आपको और आपके दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। प्रणाम, जय भगवान, जय श्री राम, शांति, ओम शांति शांति। एक मिनट दर्शन भी कर सकेंगे आप सब? जय भगवान, ओम शांति 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 भवतु।
ईश्वरं सजीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु भवतु सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सिद्धुकवां भवेत्। शांति शांति शांति।